पिंक शैंपेन। ए आइए, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का देसी तड़का विद श्वेता पे। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज किचन में क्या बनने जा रहा है, तो लेकिन चलो फिर भी मैं बता ही देती हूँ क्योंकि आप लोग तो बताएंगे नहीं, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या बनने जा रहा है। आज बनने जा रहा है किचन के अंदर कीमा विद कलेजी। तो कैसे बनाएंगे और सामग्री क्या क्या है ये बताने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आता है, उसको याद से प्रेस कीजिएगा जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना। तो कीमा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कीमा, ये बकरे का मीट है, और ये है कलेजी 200 ग्राम, ये है 400 ग्राम, कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, और ये हरी इलायची और बड़ी इलायची काली वाली, ये टमाटर हैं, ये अनियंस हैं, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को वॉश कर लेते हैं। तो चलिए जब तक हमारा मटन के अंदर से घी पानी निथरता है तब तक हम अपना गैस पे ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। हमने प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर भी हम चॉप करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर पैन के अंदर घी लिया, ये मैंने एक करछी जो नॉर्मल करछी होती है हमारी वो घी ले लिया है। ये घी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालते हैं अपना तेज पत्ता, ये दालचीनी का टुकड़ा, ये हरी और बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, और थोड़ी सी लौंग, और साथ ही डाल देंगे हम अपनी चॉप की अनियन। अनियंस को हम सुनहरा होने तक इसके अंदर भूनेंगे। इस समय जब ये प्याज हमारी भुन रही है, हल्की सी गुलाबी गुलाबी होनी शुरू हो गई है, इसी समय हम डालेंगे इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो ताजी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हमारी प्याज बहुत अच्छे से सुनहरी सुनहरी आप देख सकते हैं भून चुकी है। तो डालते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर मसाले, डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, ये 3 चम्मच तकरीबन धनिया पाउडर, 1 चम्मच तकरीबन लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे नमक। नमक क्वांटिटी से स्वादानुसार से थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि मटन के अंदर भी अपना एक नमक का फ्लेवर होता है, तो नमक को कम रखिएगा। पहले हम मसालों को इसमें भूनेंगे, फिर ऐड करेंगे हम इसमें अपने टमाटर। मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। टमाटर भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, अब वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो कश्मीरी देगी मिर्च का उपयोग भी इसके अंदर कर सकते हैं पाउडर का, जिससे इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए, हम भी यूज़ करेंगे उसका। तो अब मसाले को घी छोड़ने तक हम भूनेंगे। सबसे पहले तो हम अपने ये बे लीफ के पत्ते इसमें से निकाल लेते हैं, इसका जितना फ्लेवर आना था वो आ चुका है, ये हम निकाल लेते हैं।
और डालते हैं अपना कीमा, क्योंकि हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं इसके अंदर। ये कीमा हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब हमने जब मटन का कीमा इसमें डाल दिया है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप मटन का कीमा ये इसमें भूनेंगे तो आपको तेज आंच पे ही भूनने का काम करना है, धीमी आंच पे भूनने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको तेज आंच पे ही अच्छे से भूनना है, घी छोड़ने तक। उसके बाद हम इसमें अपनी कलेजी डालेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा एक सीक्रेट मसाला, जो कि है पुदीने का पाउडर। ये पुदीने के पत्तों को मैंने सुखा के पाउडर बना लिया था। ये पुदीने का पाउडर हम इसमें डालते हैं और साथ ही साथ डालेंगे इसमें हम एक चम्मच अपना भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हमारा कीमा भी बहुत अच्छे से भून चुका है, अब टाइम है इसके अंदर कलेजी डाल के भूनने का। तो डालते हैं कलेजी। कलेजी डाल के भी आपको कीमे को तेज आंच से ही भूनना है, धीमी आंच का प्रोसेस नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप स्लो आंच पे इसको पकाएंगे तो ये आपकी रबड़ जैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी बहुत। अब हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे, नहीं 2 मिनट तेज आंच पे पानी डाल देते हैं पहले थोड़ा। अब इसको 2 मिनट तेज आंच पे, फिर 5 मिनट धीमी आंच पे पकने देते हैं और बीच बीच में इसे चलाते रहें। ये नहीं कि आप ढक के भूल जाएं, इसको चलाते रहें कंटिन्यू बीच बीच में आके। तो चलिए देखते हैं हमारा मटन और ये कीमा का लीची कितना पक चुके हैं। ये देखिए ऑयल इसने अच्छे से छोड़ दिया है, इट मीन्स ये रेडी है सर्व करने के लिए। और ग्रेवी भी हमारी थिकनेस जितनी होनी चाहिए उतनी है। अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप पानी का एडिशन कर दीजिएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कलेजी गली या नहीं, कलेजी गली है नहीं गली, इसके लिए ये देखिए चाकू इजीली इसको कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये गल चुकी है। फिर देख लीजिए आप, इजीली जोर नहीं लगाना पड़ रहा, तो इट मीन्स ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो प्लेटिंग से पहले हम सबसे पहले तो इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देते हैं कट करके, और डालेंगे थोड़ा सा अपना गरम मसाला। डालते हैं गरम मसाला और इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। आप देखिए गैस बंद हो, हमने सिम पे रखी थी तो कितना अच्छे से और गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। तो चलिए अब करते हैं हम अपनी प्लेटिंग को। खिदमत आप सभी के लिए कीमा कलेजी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बताइए स्वाद कैसा लगा। सॉरी आज टेस्टिंग नहीं होगी क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो ये तो मैं टेस्ट करने से रही, मैं सिर्फ बनाती हूं आप लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए जो खाते हैं। तो बाकी स्वाद बताइएगा आप जरूर।
वैसे मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कुछ डालेंगे नहीं, बताएंगे नहीं मुझे कि भाई स्वाद कैसा लगा अगर आपने ट्राई किया है तो। बाकी मेरे परिवार वाले तो बता ही देंगे मुझे। बाकी चैनल पर नए हैं या विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नई नई और आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। I'll never see you happy, you always treat me badly, you say